हाय, मेरा नाम लुकास स्वामी है और ये मेरी वाइफ एलेसेंड्रा स्वामी। हम लोग पुणे से, एक्चुअली हम मणिपाल हॉस्पिटल इसलिए आए क्योंकि मेरी वाइफ शी मेट विद एन एक्सीडेंट। उनका एक्सीडेंट हुआ आई थिंक 2 से 3 हफ्ता पहले। वो एक्टिवा पे जा रही थी और वागुली की रोड बिल्कुल बहुत ख़राब है एक्चुअली, तो उस पर उनकी गाड़ी स्किट हो गई कॉन्क्रीट रोड पे और वहाँ से उनका हाथ और पैर पे गिरे, तो हाथ और पैर की दोनों की जो हड्डी है वो ऑलमोस्ट लिटरली डिसलोकेट हो गई और टूट भी गई। तो हम इमिजिएट एक लोकल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे टेम्पररी प्लास्टर किया, उन्होंने एक्सरे इमिजिएट किया और प्लास्टर किया एंड देन दे सेड कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। और उनसे और पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 ऑपरेशन लगेंगे हाथ और पैर के लिए, 1 ऑपरेशन पहले करेंगे हाथ का और 2 दिन के बाद दूसरा ऑपरेशन करेंगे, तो ऑलमोस्ट 7 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। तो ये थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि पुणे में हम सिर्फ 2 ही यहाँ पे रहते हैं वागुली में। तो मैंने उनसे थोड़ा समय मांगा, मैंने बोला टेम्प्रेरी प्लास्टर है अभी, तो वील गो होम एंड वील थिंक अबाउट इट, हम सोचेंगे इस बारे में। तो हम घर आए और नेक्स्ट डे से मैंने, इनका पेन काफ़ी बढ़ रहा था वो टाइम पे और बहुत डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी मैं वो प्रेशर में आके मुझे गलत डिसीजन नहीं लेना था कि कहीं गलत जगह पे जाके ऑपरेशन कर दिया और फिर उसको कोई अंडू नहीं कर सकता, मतलब जो गलती हो गया उसको सुधार नहीं सकता, ऑलरेडी इतना ख़राब हो गया है। तो वो स्ट्रेस वगैरह में फिर भी मैं थोड़ा शांत हुआ, मैंने यूट्यूब वगैरह सब जगह चेक किया कि पुणे में कौन से हॉस्पिटल से जो स्पेशली ऑर्थो में एक्सपर्ट है, ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर्स है जो बेस्ट है पुणे में। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के वीडियोस वगैरह देखे, तो वहाँ हमारे डॉक्टर विनय गौतम सर का वीडियो देखा, उन्होंने नी सर्जरी के बारे में कुछ बता रहे थे, स्पोर्ट्स में जो जिनका नी ऑलमोस्ट लिटरली टूट जाता है रिप्लेस करते, तो वो मैं देख रहा था और उन्होंने वीडियो में ऐसा बोला कि नेक्स्ट डे हम चलाते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, मतलब मैं और सुनने लगा उनके बारे में, तो पेशेंट्स के टेस्टिमोनी से तो वो भी सुने मैंने, तो मैं कहीं ना कहीं कन्वेंस हो गया। तो एक हफ्ते के बाद हम मंडे मॉर्निंग कॉल किए कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, हम एक बार सर से मिलना चाहते हैं। तो हम आए, सर से मिले, राइट फ्रॉम द टाइम वी एंटर्ड द हॉस्पिटल, हम जैसे आए, हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे, हमको कोई जानता नहीं था कुछ नहीं, जैसे मैंने अपना कार अंदर लाया कि मैंने सर्विस उनका काफ़ी अच्छा देखा। इमिजिएटली उनका स्टाफ आया, मेरी वाइफ को उन्होंने कार से उतारा व्हील चेयर पर, मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, उन्होंने अपफ्रंटली, वो काफ़ी प्रोएक्टिव थे उनके सर्विस में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो सर्विस। राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट हार्डली इट टुक लाइक 15 मिनट्स मैक्स, 15 मिनट के अंदर हम डॉक्टर के सामने थे, हमने सब बात किया, सर ने सब चेक किया, बट सर ने कुछ बोला नहीं वो टाइम पे। सर ने बोला कि हम MRI कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। तो हम रुके और तब तक सर चले गए थे क्योंकि MRI और CT स्कैन को काफ़ी टाइम लगता है। तो आई थिंक इट वाज अराउंड 8-9 o'clock, 9 बज गया था, हम लोग दोपहर को आए थे और वो रिपोर्ट उनके पास चला गया। तो उन्होंने मुझे अपफ्रंटली कॉल किया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उन्होंने, सर ने अपने घर से मुझे कॉल किया एंड देन ही उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ है और कितना अर्जेंसी है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद 7 दिन लगेगा, फिर मैंने सर को बताया, सर मेरे मैं इंश्योरेंस नहीं, मैं कैश वगैरह कर रहा हूँ और 7 डेज इज़ टू मच फॉर मी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इन 24 आवर्स सब कुछ होके शी विल बी डिस्चार्ज। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि ऐसा पॉसिबल है, और फिर भी मैंने बोला सर मेरा कैश है, मुझे टेंटेटिव अमाउंट चाहिए। तो एक्चुअली वो सर का पार्ट नहीं था, वो अलग डिपार्टमेंट है वो जो देखता है, बट फिर भी सर एक्स्ट्रा माइल गए, उन्होंने कॉल किया जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रात के टाइम पे, और वो डिपार्टमेंट के बंदों ने फिर मुझे हेल्प किया, उन्होंने एक टेंटेटिव अमाउंट बताया। फिर हम घर गए ट्यूसडे, पूरा दिन सोचा एंड देन आई थिंक वेनेसडे मॉर्निंग वी डिसाइडेड हम ऑपरेशन वील गेट हर ऑपरेटेड। सो वेनेसडे मॉर्निंग वी केम अराउंड 9 o'clock और इन द बैकग्राउंड आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब बैकग्राउंड में ऐसा हुआ कि सर ने ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर बुक करके रखा था, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। आई थिंक 9:30 तक हम लोग आए हॉस्पिटल में, उन्होंने एडमिशन का प्रोसेस वगैरह किया, विद इन 15-20 मिनट्स वो प्रोसेस हुआ, ख़त्म हो गया और इनको अपने वार्ड में लेके गए, और वहाँ से अराउंड 12 o'clock उनको डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर लेके गए। मतलब मुझे ये पता नहीं था ये सब हो गया,
फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुझे बुलाया गया, फिर मुझे सर से, विनय गौतम सर से मिले, एनेस्थीसिया डॉक्टर से मिले, सारे एक्सपर्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या होगा कैसे होगा एवरीथिंग, और प्लस मेरी वाइफ से भी वो लोग पर्सनली बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे हम ये कर रहे हैं, ये करने वाले, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप देयर वाज लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड आई वाज वेरी हैप्पी. द बेस्ट पार्ट वाज ऑपरेशन होके दो तीन घंटे के बाद, आई थिंक तीन चार घंटे के बाद, अराउंड इवनिंग 5-6 o'clock, मैं जब वार्ड में आया तो मैंने देखा कि फिजियो आया है और उन्होंने इनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिया और वो कर रहे हैं बैठ, मतलब बैठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, शोल्डर का स्ट्रेचिंग एंड नी, आई थिंक लेग का नहीं था बट शोल्डर्स का स्ट्रेचिंग था एंड देन एंकल का स्ट्रेचिंग था. तो ये सब देख के और वो बैठे और स्टूल पे उन्होंने अपना पैर रखा, सो इट वॉज फैसिनेटिंग, इट वॉज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली. मैं देखते हुए कि ऑपरेशन हो गया एंड इन लाइक few hours she is sitting and she is already recovered. तो मैं बहुत खुश हुआ and it's 2 weeks now, अभी operation होके 2 to 3 weeks हुआ and we have come here to remove the stitches, मतलब हम stitches निकालने आए घुटनों का because that got healed and she is absolutely fine. उनका हाथ का काफ़ी major हुआ है तो इसके लिए उसको और एक दो हफ्ता, but the best part is there is no pain, बिल्कुल दर्द नहीं है और इतना जल्दी वो रिकवर कर रहे हैं. मैं सबसे, मैंने बेस्ट डिसीजन जो लिया है वो मणिपाल हॉस्पिटल आना और विनय गौतम सर से मिलना. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश दिस वीडियो हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैं, हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो इस दर्द और ये सब प्रेशर से या एक्सीडेंट वगैरह जो भी वो लोग प्रॉब्लम से जा रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कम डाउन हियर, catch up or meet with sir and he's the right person to help you out. Hi, my name is Alessandra Swamy and he's my husband Lucas Swamy, and as you all know that I met with an accident which I fell from the Activa and my right leg and my right hand both got fractured and my major was my right hand which got dislocated. So we were in search of the good hospitals and me and my husband took the good decision of coming to this Manipal hospital and we got the best doctor, that's okay. Dr. Vinay Gautam, and we really highly recommend whoever is in pain or whoever is going through this pain, we would highly recommend to come to this hospital because the staff is really nice. They are always welcoming you and they are always there to help and they are very helpful. And we are, and anyone who is in need of this, you can really come and you can talk to Dr. Gautam and he would be the best to suggest you with all your surgeries and whatever your treatment is. And I'm really happy that today it's been 2 to 3 weeks that I've come, and today I came to remove my stitches of my leg and my hand. So I'm feeling much better now, more than before. I have no pain at all. And doctor suggested no medicines as well. Yeah. So I'm really happy for that. So thank you so much. And whoever is in need of the treatment, I would highly recommend to come to this hospital. Thank you so much. Mm-hmm.